दोस्तों बात करने वाले आईएफएससी स्टॉक के बारे में। दोस्तों आईएफएससी के अंदर आज कोई बड़ा बाउंस देखने को नहीं मिला है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों ने टॉप लेवल पे खरीदा है वो अभी के टाइम लॉस में देखने को मिल रहे हैं। देखो दोस्तों आपको मैं हर एक वीडियो में एक्यूरेट जानकारी देता हूँ। कई लोगों को लगता है भाई डेली बेसिस आके यही बोलता है। देखो दोस्तों डेली बेसिस से मतलब नहीं है, आपको सही गाइड करना हमारा काम है दोस्तों। एंड यहाँ पे देखो अगर आपको उल्टा लगता है, देखो दोस्तों अगर मैं आपको भी कहूँ कि भाई आईएफएससी कल भागेगा, कल 50% का अपर सर्किट लगाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बट जिन्होंने अगर बोला भाई 20% का अपर सर्किट लगाएगा तो ये चीज जाहिर लग सकता है। बट कंफर्म एक चीज है दोस्तों, अगर हम यहाँ से चीजें आपको समझा रहे कि भाई ये चीज हो सकती है, तो यहाँ पे वो राइट दिशा में आपको चीज बताई जा रही है। अब मानना या ना मानना, देखो मैं ओनली फॉर एडवाइस करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको मतलब कह नहीं रहा कि आप ये करो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो अभी के टाइम अगर आप देखेंगे कई लोगों को लॉस हो रहा है, तो उनके कमेंट्स मेरे पास देखने को मिले कि भाई ऊपर कब जाएगा। तो देखो दोस्तों एक्यूरेट आपको चीज समझना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न ऑलराउंड दोस्तों 90% चीजें क्लियर कर देता है। हमने आईएफएससी को दोस्तों आपको 90 रुपए में, जो हालांकि तेजी आई थी 90 रुपए में, भी बोला था मैंने कि खरीद लो। अब वहां पे देखो कई लोगों ने पैसा बनाया ऑलराउंड, यहाँ पे लोगों ने पैसा डबल किया मेरे भाई। अभी के टाइम देखो वही लोग लॉस में जिन्होंने या तो टॉप लेवल पे खरीदा है या मार्केट में नए। एंड देखो दोस्तों आपको हर एक वीडियो में एक चीज समझाता हूँ कि किसी भी स्टॉक को बाई करो, पूरा अमाउंट एक साथ मत लगाया करो। आपको जैसा कि आईएफएससी में आपको 190 पे अगर आपने बाई करने की सोची है तो थोड़ा समझो, आपको ओनली 440% अमाउंट लगाओ, पैसा कम बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, बट लॉस तो कम नहीं होगा ना मेरे भाई। अगर यहाँ पे गिर जाता है बाई चांस, क्योंकि गिरते हैं टॉप से यहाँ पे स्टॉक, जैसा कि आपका आईएफएससी गिर गया, तो अभी टाइम आप एवरेज कर लेते हैं। एंड मैं अभी भी उन लोगों को यही कहूंगा कि एवरेज का अगर अमाउंट बचा तो भाई लगा दो, क्योंकि देखो दोस्तों आईएफएससी शानदार स्टॉक है। भले ही यहाँ पे देखो ये आने वाले 3 महीने तक, मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ चीजें समझो, ये शांत हो चुका है अभी यहाँ पे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये भागेगा, बट करंटली ये कि आराम से 200 तक ये जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे डाटा हमें बताया जा रहा है 200 तक जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से ये अभी के टाइम 400 चला जाएगा। दोस्तों 3-4 महीने ये कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर से जो रैली हाल ही में बनी है उसके जैसी रैली फिर बनेगी यहाँ पे। आईएफएससी भाई हल्के में मतलब 90 रुपए से अगर यहाँ 30 रुपए से अगर 154 192 के हाई लग सकते हैं, तो भाई 192 से 400 भी जा सकता है। ये चीज आप समझ लेना, क्योंकि अब करंटली वैल्यूएशन कंपनी की ठीक है, कोई ओवरबोर्ड स्टॉक अभी के टाइम नजर नहीं आ रहा है। अब डाटा समझो 15 करोड़ की वॉल्यूम नजर आई है, एंड इसमें से अगर आप देखेंगे करंटली एमओ पॉजिटिव और डिलीवरी स्टॉक की ज्यादा नहीं है, माल अभी के टाइम नहीं खरीदा जा रहा है, टोटली रिटेल अभी के टाइम खरीद रहा है। बड़े प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं पहले ही, ऊपरी लेवल पे रिटेल को यहाँ पे बसाया। रिटेल को लगता नहीं भाई ऊपर जाएगा, फिर भी रिटेल देखो लालच होता है मार्केट के अंदर। अगर आपको कोई बता रहा है कि 192 पे खरीद लो ऊपर जा रहा है तो आप झट से खरीद लोगे, बट अगर कोई आपको बता रहा है स्टॉक नीचे जा रहा है एंड नीचे जाके थोड़ा बहुत गिरावट में, तो आप 100 बार सोचोगे गिरावट में खरीदने से पहले। जबकि गिरावट में दोस्तों स्टॉक को गिरावट में ही खरीदा जाता है, प्रॉफिट लेने के लिए, प्रॉफिट बुक करने के लिए तेजी में बेचा जाता है, प्रॉफिट लेने के लिए गिरावट में खरीदा जाता है। बट गिरावट का भी नियम है कि कहाँ पे खरीदे, ये लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं होता है। अब समझे डाटा को, देखो करंटली जो 16% की डिलीवरी, अब यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया, अपना दिन में एक वीडियो हो रहा था उनमें मैंने बताया था कि जो आपका म्यूचुअल फंड है भाई, म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी और म्यूचुअल फंड ने 3-4 करोड़ शेयरों की सेलिंग करी इस स्टॉक के अंदर, तो ये भाई 190 के आसपास की हुई है। पर उससे डरना मत, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड के पास इतना ही माल नहीं है, म्यूचुअल फंड पास बहुत सारी होल्डिंग लेके बैठे हैं। जल्दी यहाँ पे भाई ऑफर्स का अनाउंसमेंट हो सकता है, मैं पहले से आपको आगाह कर रहा हूँ कि ऑफर्स का अगर अनाउंसमेंट होता है डेफिनेटली ऑफर्स आपको 140 प्लस एंड 170 के बीच में यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पे ऑफर्स दिखेगा एंड ऑफर्स थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी पैदा कर सकता है। ग्रुप ऊपर आता है तो डेफिनेटली स्टॉक ग्रो करेगा, अगर नीचे आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें वोलेटिलिटी नजर आ सकती है। तो ये चीज आप ध्यान दें, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आगे हमारा व्यू क्या रहना चाहिए, हमें करना क्या है, यहाँ पे कितना टाइम ये लेगा 192 क्रॉस करने के अंदर। तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने जैसा की कहा कि आने वाले 2-3 महीने कंसोलिडेट ये कर सकता है। चार्ट को एक बार आप जो आपका आईएफएससी इसमें गिरावट होती है एंड वोलेटिलिटी आती है, तो ये 192 कहाँ तक जाए। देखो करंटली आरएसआई 54 का है, सही लेवल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखा जा सकता है, इसी के लेवल के आसपास ही कंसोलिडेट यहाँ पे करने वाला है। तो देखा था दोस्तों, देखो मेन चीज यहाँ पे स्टॉक का अगर हम देखें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या बन रहे अभी के टाइम यहाँ से, तो देखो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था यहाँ पे डाटा एंड जो चार्ट है इसको थोड़ा लंबा अपन थोड़ा कम करते हैं। यहाँ पे आप समझो, देखो आईएफएससी का ये फुल्ली चार्ट है यहाँ पे आपके सामने। अब देखो यहाँ से तेजी, कंसोलिडेट फिर से तेजी, कंसोलिडेट फिर से तेजी, हल्का कंसोलिडेट फिर से तेजी एंड टोटली प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि जितना भागा उतना प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिखाएगा। तो भाई हल्का फुल्का कंसोलिडेट यहाँ पे ये कर सकता है अप ट्रेंड के अंदर, जैसे कि यहाँ पे किया फिर तेजी, यहाँ पे करेगा फिर तेजी, तो ये लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट का मौका है, ठीक है। जो 192 पे खरीदे अभी के टाइम एवरेज का मौका आपको मिल रहा है, डरना नहीं।
है ठीक है, एंड अच्छा स्टॉक है, डेफिनेटली ये 400 प्लस भी होगा, तो वेट करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन खुलता कह रहे अपडेट टाइम टू टाइम आपको।